किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें से जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनका एक विशेष अभियान 15 दिन का चलाया गया था जनपद फिरोजाबाद में कृषि विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। आज जनपद के किसानों को बुला करके यहाँ विकास भवन में उन किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड उनको प्रदान किए गए हैं, जिससे कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि निवेशों का समय समय पर खरीद कर सकें और साहूकारों से उन्हें किसी तरह का जो है ऋण ना लेना पड़े और कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध हो। और इस ऋण का अगर उस समय से एक साल के अंदर भुगतान करते हैं तो किसानों को 3% ब्याज की छूट भी मिलती है और उन्हें मात्र 4% ब्याज दर पर ही ऋण उपलब्ध होता है। सर, आज कितने यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट कितने ऋण वितरित हुए हैं, कितने लोगों को सर्टिफिकेट अभी? ये तमाम योजनाएं चला रही हैं जिसका संबंध बैंकों से भी है। बैंक क्या किस तरह की सुविधाएँ उनको प्रावधान उपलब्ध करा रही हैं जिससे उनको आसानी से सुविधाओं का लाभ मिले? जी, जैसा आपने अभी देखा, प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट से उद्घाटन भी किया और एक साल पहले ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, उसी के तहत में अभियान मोड में एक अभियान चलाया गया कृषि ऋणों में KCC लोन दे करके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने का, KCC सशक्तिकरण का अभियान चलाया गया और इसके तहत जितने भी किसान सम्मान निधि के कस्टमर से सभी किसानों को KCC देने का कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। यहाँ पे फिरोजाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक के रूप में है और इसी संदर्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें अभी हम लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री जी को सुना और इसका उद्घाटन देखा हम लोगों ने, और हमारे साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी CTP चौधरी साहब भी हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से यहाँ पे प्रशासन के लोग भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर साहब भी हैं, प्रशासन के लोग भी हैं, सारे बैंकों के ब्रांच मैनेजर्स हैं और हमारे सम्मानित अन्नदाता किसान भी हैं। और ये तीनों का सुखद संयोग है ये कि आज हम लोग विकास भवन में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी जैसा बताया उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, उसी कड़ी में हम सभी बैंक मिलकर के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा KCC के माध्यम से हम उनको लाभान्वित करना चाहते हैं ताकि वो साहूकारों के चंगुल से निकल सकें और आसान ब्याज दरों और शर्तों पर बैंक से ऋण लेकर के अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। इस कड़ी में जैसा कि बताया गया कि 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया था, अगर 15 दिनों के विशेष अभियान की हम लोग बात करेंगे तो फिरोजाबाद ज़िले में स्टेट बैंक के माध्यम से, खास करके फिरोजाबाद में कुल 172 शाखाएं हैं सभी बैंकों के मिला करके, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 23 लगभग 13 से 14% की शाखाएँ हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 11,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन अभी तक प्राप्त कर लिए हैं इन केवल 15 दिनों में। मैं आज की छोड़ के बता रहा हूँ, आज केवल अभी तक में 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं। साथ साथ में हम लोगों ने 4,500 से ज़्यादा एप्लीकेशन स्वीकृत भी कर दिए हैं। इस तरीके से 45 करोड़ से ज़्यादा के KCC ऋण इन 15 दिनों के विशेष अभियान में किसान सम्मान निधि के किसानों को दिया जा चुका है KCC के माध्यम से, और हमारा लक्ष्य अगले कुछ दिनों में इन सारे किसानों को पूरी तरीके से KCC प्रदान करने का है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसमें योगदान, लीड बैंक के रूप में हमारी शाखाएं भले ही 13 से 14% की हों, हमने जो एप्लीकेशन सोर्स किए हैं वो कुल फिरोजाबाद ज़िले के कुल एप्लीकेशन सोर्स में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योगदान 48% का है। और अगर हम लोग ऋण स्वीकृति की बात करेंगे तो फिरोजाबाद ज़िले में जितने भी KCC के ऋण स्वीकृत किए गए हैं उनमें हमारा योगदान 54% का है, अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये विशेष अभियान था। और इसी के तहत में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ किसानों को दिया जा रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से सभी किसानों से जो यहाँ पे आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं या जो इसको सुनेंगे, उन सभी से यह निवेदन करेंगे हम लोग कि वो अपने अपने शाखाओं से बात करें, यदि किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो बैंक उनके साथ में है, किसी विभाग के अधिकारी उनके साथ में है, प्रशासन उनके साथ में है, और KCC का लाभ निश्चित रूप से लें, साथ साथ में सुरक्षा बीमा योजनाओं का भी लाभ।